यो व्हाट इज अप गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, की हाल चाल। तो गाइस आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ वापस, और आज की इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूँ इंडियन व्हीकल सिमुलेटर 3D गेम का अंदर व्हीकल स्विचिंग ऑप्शन। हाँ गाइस, हमारे गेम का अंदर व्हीकल्स को स्विच करने का ऑप्शन ऐड हो चुका है। अब हम एक ही समय में दो व्हीकल्स चला सकते हैं अपने फार्मिंग मोड के अंदर। अब वो कैसे चला सकते हैं, वो ही तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखते रहना। अगर अभी तक तुम लोगों ने लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, नहीं जल्दी से जल्दी लाइक करो। आज तो मुझे कम से कम इस वीडियो पे 500 लाइक चाहिए। जल्दी से जल्दी लाइक करो, जितने जल्दी लाइक कंप्लीट होंगे उतना ही जल्दी मेरे को मजा आएगा और आपको भी, क्योंकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊंगा। तो जल्दी से लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी गाइस बिना टाइम वेस्ट की स्टार्ट करते हैं। गाइस मैं आपको ये बताता हूँ कि आप दूसरे व्हीकल्स कैसे स्पॉन कर सकते हो। अभी तक आपने देखा होगा कि हम सिर्फ जोटा और मैसी ट्रैक्टर को ही स्पॉन कर पाते थे, उन्हीं से हम फ्रंट टोचन कर पाते थे। लेकिन नहीं, अब हम किसी भी व्हीकल से फ्रंट टोचन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वही तो बताने वाला हूँ। तो अभी क्या सीन है कि हमारा जो मड मैप है उसके अंदर अपने सिद्धू पाजी का HMD ट्रैक्टर फंस चुका है। अब उसको निकालने के लिए हमें लेके जाना है अपने टोचन किंग। तो गाइस उसको लेके जाएंगे और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस हालत में अपना जो HMD ट्रैक्टर है वहाँ पे फंसा हुआ है। तो देख सकते हो गाइस कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे जो अपना HMD ट्रैक्टर है यहाँ पे फंसा हुआ है, ये निकल नहीं रहा है। तो इसको निकालेंगे हम आज की इस वीडियो के अंदर। आप देख सकते हो गाइस इतना तो चला जाता है, उसके बाद ये तो अभी इससे आगे नहीं बढ़ पाता। इसीलिए गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम जॉन डियर को लाएंगे, टोचन करेंगे। अब कैसे करेंगे वही तो बताऊंगा। और अभी आपने देखा होगा कि मैं सीधा जॉन डियर से HMD ट्रैक्टर पे आ गया। वो कैसे आया वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं वापस चला जाता हूँ जॉन डियर पे। आप देख सकते हो मैं जॉन डियर पे आ चुका हूँ। अब क्या करेंगे, सबसे पहले लेके चलेंगे अपने जॉन डियर ट्रैक्टर को HMD ट्रैक्टर के पास और उसको निकालेंगे। उसके बाद मैं आपको बाकी चीजों के बारे में बताऊंगा। तो गाइस यहाँ पे मैं जल्दी से यहाँ पे मड मैप की और अपने जॉन डियर ट्रैक्टर को लेके जा रहा हूँ और वहाँ पे जाके हमको निकालना है अपने HMD ट्रैक्टर को, जिससे गाइस यहाँ पे HMD ट्रैक्टर भी बाहर निकल जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप टोचन कैसे कर सकते हो किसी भी व्हीकल्स के साथ और दो व्हीकल्स कैसे चला सकते हो। अभी भी देख सकते हो अपना जो जॉन डियर चल रहा है। और अभी गाइस मैं यहाँ पे जा सकता हूँ सीधा HMD ट्रैक्टर के पास और अभी मैं वापस जा सकता हूँ सीधा जॉन डियर ट्रैक्टर के पास। अभी कैसे हो रहा है वही तो मैजिक है बाबू भैया। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे मड मैप किधर है अपना? अबे एक सेकेंड, मैं तो कन्फ्यूज हो चुका हूँ गाइस। यहाँ पे मैं इधर से आया, अबे भाई साहब अपना मड मैप तो पीछे ही रह गया। सॉरी गाइस थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई आपको ये दिखाने के चक्कर में। आप देख सकते हो ये रहा अपना मड मैप और इस मड मैप के अंदर हमें निकालना है अपने HMD ट्रैक्टर को। तो सबसे पहले चलते हैं मड मैप के अंदर और अभी आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ मड मैप के अंदर और यहाँ पे फंसा हुआ है अपना HMD ट्रैक्टर। आप देख सकते हो गाइस मैं आपको लाइव प्रूफ की खातिर गाइस यहाँ पे मैं AI पे जॉन डियर को खड़ा कर देता हूँ और HMD ट्रैक्टर पे चला जाता हूँ। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे मैं HMD पे आया, इधर अपना जॉन डियर अभी भी चल रहा है। अभी मैं वापस इस पे चला जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी भी ये खड़ा है। अभी कैसे हो रहा है वही तो बताऊंगा मैं आपको। तो ये सबसे पहले गाइस मैं इसको यहाँ पे पोजीशन में लेके आता हूँ ताकि गाइस अपने HMD ट्रैक्टर को यहाँ पे पावर लगा के निकाल सके अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसकी चेन यहाँ पे कनेक्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे देखते हैं गाइस चेन कनेक्ट होती है नहीं होती, क्योंकि गाइस यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच चल रहा है। अभी क्या चेन कनेक्ट भी होती है नहीं भी होती है, तो सबसे पहले मैं इसको चेन को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने कई बार प्रयास करके देख लिया कि HMD को जॉन डियर के साथ टोचन करने का मतलब यहाँ पे चेन से बांध ले का। लेकिन गाइस अभी क्या है गेम के अंदर ये जो चीज़ है प्रॉपर रेडी नहीं हुई है, इसलिए गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्लिच आ रहे हैं। चेन यहाँ पे कनेक्ट ही नहीं हो रही, चेन यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है तो यहाँ पे दोनों ट्रैक्टर ही हवा में उड़ जाते हैं। ऐसा गाइस इसके अंदर कुछ ज़्यादा स्कैम हो रहा है। तो गाइस अभी तो ये चेन वगैरह कनेक्ट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन गाइस अभी फिलहाल मैं आपको मैं यही बता देता हूँ कि आप व्हीकल को स्विचिंग कैसे कर सकते हो। बिकॉज गाइस अभी तो यहाँ पे चेन वगैरह हम नहीं लगा पा रहे, चेन लगाने का सिस्टम अभी नेक्स्ट बार जब मैप इंप्रूव होगा तब आएगा। तो गाइस आपको यहाँ पर ट्रैक्टर को स्विच कैसे करना है इसको गाइस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे आपको कस्टमाइज के ऊपर एक यहाँ पे गाड़ी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, कार का ऑप्शन देखने को मिलेगा एक एरो के पास। आप जैसे उस एरो पे क्लिक करोगे गाइस, एरो पे नहीं गाइस, आप जैसे उस व्हीकल पे मतलब जो कार मंडी हुई उस पर क्लिक करोगे तो आप दूसरे व्हीकल के पास आ जाओगे। गाइस आप देख सकते हो अब जब आप AI व्हीकल पे क्लिक करोगे तो अपना जॉन डियर अपने आप चलेगा और HMD ट्रैक्टर को हमें चलाना पड़ेगा। समझ में आ गया गाइस, यहाँ पे मैं HMD को यहाँ पे स्विच करने वाला हूँ। अब गाइस वापस उस वाले ट्रैक्टर पे जाना है तो आपको वापस उसी कार पे क्लिक करना पड़ेगा।
जैसे आप उस पर क्लिक करोगे गाइस, आप देख सकते हो अपना HMT AI में बदल गया और जॉन डियर अपने अपने कंट्रोल में आ गया। तो कुछ इस प्रकार से गाइस यहाँ पे आप करेक्टर की मतलब यहाँ पे सॉरी व्हीकल्स की स्विचिंग कर सकते हो गाइस। यहाँ पे व्हीकल्स वगैरह को चेंज कर सकते हो। लेकिन गाइस अभी चेन लगाने का सिस्टम नहीं आया है, इसलिए गाइस अभी तक थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा। लेकिन गाइस 2-3 दिन के अंदर हमें चेन लगाने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, जिससे अंदर गाइस यहाँ पे ग्लिच वगैरह भी नहीं हो गया, हम किसी भी व्हीकल के साथ यहाँ पे चेन वगैरह अटैच कर पाएंगे। अभी तो क्या ग्लिच हो रहा है कि जैसे हम व्हीकल्स को स्पोर करते हैं यहाँ पे चेन ही नहीं लगती है, चेन यहाँ पे हवा में टिकने लग जाती है। गाइस मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे गाइस यहाँ पे 2 व्हीकल आ चुके हैं। अब 2 व्हीकल आने के बाद यहाँ पे मैं 1 व्हीकल को यहाँ पे AI व्हीकल को पहले बंद कर देता हूँ। अब क्या गाइस मैं यहाँ पे इसको ट्रैक्टर को पीछे लेता हूँ, ये वाला पीछे जा रहा है, और गाइस मैं इसको थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ ताकि चेन कनेक्ट हो जाए। अभी गाइस यहाँ पे पोजिशन सही है। अब गाइस यहाँ पे मैं व्हीकल्स को यहाँ पे HMT कर लेता हूँ। अब HMT करने के बाद यहाँ पे मैं चेन कनेक्ट करूँगा, तो चेन कनेक्ट हो चुकी नहीं है, मतलब यहाँ पे इस वाले मैसी ट्रैक्टर से तो चेन कनेक्ट हो जाएगी लेकिन HMT से नहीं होगी। अब यहाँ पे अगर मैं HMT ट्रैक्टर मतलब यहाँ पे मैसी ट्रैक्टर को भी बदल दूँ जॉन डियर के साथ, आप देख सकते हो। अब अगर मैं चेन कनेक्ट करूँ, देख लो गाइस यहाँ पे अगर अब मैं चेन कनेक्ट करता हूँ, कितनी बार चेन कनेक्ट कर लूँ, लेकिन यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी चेन आ जाएगी लेकिन चेन कोई भी कनेक्ट नहीं होने वाली। जितनी बार मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा उतनी ज़्यादा चेन यहाँ पे ऐड हो जाएगी, लेकिन गाइस यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगी। इसका कारण है गाइस यहाँ पे गेम अभी तक पूरा अच्छे से इंप्रूव नहीं हुआ है, साथ ही गाइस इसके अंदर काफ़ी सारे ग्लिचेस वगैरह भी चल रहे हैं। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कितनी सारी चेन मंगा ली है लेकिन गाइस यहाँ पे कोई भी काम नहीं करेगी, यहाँ पे कोई भी नहीं जुड़ने वाली अपने ट्रैक्टर के साथ। तो गाइस ये ग्लिच चल रहा है, लेकिन गाइस 2-3 दिन के अंदर ये चीज़ भी फिक्स कर दी जाएगी, आपको एकदम मज़ा आ जाएगा गेम खेलने के अंदर, और ये चीज़ गाइस आपको जल्दी गेम के अंदर भी मिल जाएगी। आपके वाले के अंदर गाइस 2 मंथ का समय मांगा है, 2 मंथ से भी कम समय के अंदर ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। और गाइस मैंने कल वाली वीडियो के अंदर कहा था कि आप अपडेट के बारे में कमेंट मत करो कि अपडेट दे दो, लेकिन अभी भी काफ़ी बंदे यहाँ पे गाइस कमेंट करे जा रहे हैं अपडेट दे दो, हमें तो अपडेट चाहिए, यही चाहिए, इतना बना है उतना ही अपडेट दे दो। लेकिन गाइस यार समझा करो थोड़ा सा कि अपडेट के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जब वेट करोगे तो अच्छी चीज़ बन के आपके सामने आएगी। लेकिन यार गाइस कुछ बंदे नहीं समझते, उनका क्या ही कर सकते हैं गाइस यार। लेकिन गाइस आपको क्या करना है, जो समझदार लोग होंगे ना वो यही कमेंट करेंगे कि गेम के अंदर कैरेक्टर दे दो गाइस, कैरेक्टर की डिमांड बढ़ाओ। मैं तो यही बोल रहा हूँ आपको, कैरेक्टर की डिमांड बढ़ाओ, गेम के अंदर कैरेक्टर ऐड करवाओ। बाकी गाइस यहाँ पे आप कोई सा भी व्हीकल स्पॉम कर सकते हो, स्पैम कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने HMT जॉन डियर को बुला लिया और आपने न्यू ऑलैंड को बुला लिया, यहाँ पे मैं बस भी बुला सकता हूँ कुछ भी। भाई साहब देख रहे हो कितनी सारी चेन थी, भाई साहब पूरी बिखर चुकी है, मतलब यहाँ पे पूरी फेल चुकी है। लेकिन गाइस अभी भी आप चेन बुलाओगे तो यहाँ पे बहुत सारी चेन इकट्ठा हो जाएगी, ये ग्लिच भी गाइस जल्दी फिक्स हो जाएगा। आई होप आपको गाइस यहाँ पे व्हीकल्स को चेंज करने का सिस्टम समझ में आ गया होगा। इस कार वाले पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे व्हीकल वगैरह यहाँ पे चेंज कर सकते हो, और बाकी गाइस चेन लगाने का सिस्टम भी जल्दी आ जाएगा। गाइस आपको सब कुछ क्लियर हो गया, अगर अभी भी कुछ नहीं समझ में आया तो कॉमेंट कर देना। बाकी गाइस मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, नया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी गाइस बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को एंड करते हैं, स्टार्ट नहीं करेंगे एंड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।